अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर अंबाला लोकसभा से पूर्व सांसद और मौजूदा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया इन दिनों पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बार चुनावी प्रचार में इनके चेहरे से हंसी गायब है। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया तो कटारिया ने पत्रकारों को चुनाव लड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि मेरे चेहरे से हंसी गायब होने का जो सवाल पूछ रहे हैं वो जरा चुनाव लड़ के देख लें, पता चल जाएगा। वहीं इस दौरान कटारिया ने कहा कि इन चुनावों में नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता एक बार फिर मोहर लगाएगी। और मुझे 3,40,000 वोटों से जिताया था, आज फिर मैं आपके चरणों में अरदास लेके आया हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आप मेरा साथ देकर भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। जनधन के खाते खोले, महिलाओं को LPG गैस का कनेक्शन दिया, 2.5 करोड़ लोगों के सर पर छत उपलब्ध कराई, और ये बड़ी बड़ी यमुनानगर से कैथड़, यमुनानगर से चंडीगढ़ की 4 लेन बना के यमुनानगर का विकास किया। आने वाले समय में भी हमें पूरी आशा है कि जो मोदी जी 100,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खड़ा करेंगे, उससे भारत की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को इस 2019 के लोकसभा के चुनाव में मिल रहा है। जनता भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। उसी दृष्टि से प्रचार में कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही है, और जनता जो परफॉर्मेंस मोदी जी ने पिछले 5 साल में दी है, जनता चाहती है कि भारत एक महान राष्ट्र बने और उसके लिए वोट देने को तैयार है। ये चुनाव है और 21 दिन से 20-20 प्रोग्राम करने पड़ते हैं। जो ये प्रश्न कर रहे हैं वो भी चुनाव लड़ लें, फिर उनसे पूछ लियो, पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।